ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सब लोग गौर से सुने, शहंशाह का हुक्म है कि हर जरूरतमंद के लिए खाना शाही बावर्ची खाने से ही जाना चाहिए। और ध्यान रहे, आगरा में कोई भी भूखा ना रहने पाए। अगर आप लोगों को ये खाना पकाने के लिए दिन और रात जगना पड़े तो जगना पड़ेगा। आप लोगों को ये काम पूरा करना होगा। शहंशाह के हुक्म से महल का हर शख्स इसी कोशिश में लगा था कि बेघर और भूखों को राहत पहुंचाई जा सके। जरूरतमंदों के लिए खाना शाही बावर्ची खाने से जा रहा था। ध्यान रहे, कोई भूखा ना रहे, सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। खाने में जहर है, ये खाना मत खाना, ये खाना जहरीला है। ये खाने में कीड़े कहां से आ गए? क्या ये सच? जी उजो, राहत शिविर में जो खाना शाही बावर्ची खाने से भेजा गया था उसे खाकर कई लोग बीमार पड़ गए हैं। उन्हें कह हो रही है, बुखार है और कईयों की तो जी पर बनाई है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? खाना तो शाही बावर्ची खाने से गया था। मगर वो बर्तन जिसमें खाना भेजा गया था उसमें वही कीड़े पाए गए जिन्होंने सल्तनत में तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से खाना जहरीला हो गया। लेकिन वो कीड़े शाही बावर्ची खाने तक पहुंचे कैसे? हुजूर, शाही बावर्ची खाना हमारी निगरानी में है। तो फिर बताएं हमें कि ये सब हुआ कैसे? हमें नहीं पता हुजूर। हुजूर, हमने खुद पूरे बावर्ची खाने की जांच करवाई है। उस वक्त तो वहाँ सब कुछ दुरुस्त था। हमारी समझ में ये नहीं आता कि खाने में कीड़े आए कहाँ से। यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, ये आता हुआ कैसे? हुजूर, अब तो कीड़े शाही बावर्ची खाने तक पहुँच गए हैं। पूरे शहर में हंगामा मचा है हुजूर। लोग खाना नहीं खा पा रहे, रह नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि लोग सो नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार है। खबर एकदम पुख्ता है हुजूर। शहंशाह जलाल और राजा मानसिंह के बीच जो अनबन थी वो अब दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। शहंशाह जलाल ने ना सिर्फ राजा मानसिंह को जलील किया बल्कि उनको नजरबंद तक कर दिया। अरे हाथ तक उठाया उन पर, और अब तो उनको पकड़ने के लिए पूरा जोर झोंक दिया उनके सिपहसालारों ने। तो इसका मतलब ये है कि मानसिंह जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच है। बहुत बढ़िया हुआ, अब जलाल का सबसे मजबूत बाजू हमें सहारा देगा। जाओ और जाकर मानसिंह को बाइज्जत यहां लेकर आओ। जी हुजूर। आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए आपा, कैसे आना हुआ? सब खैरियत से? खैरियत से तो कुछ नहीं है अनार, जानती ही हो, जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। बाजार में जो अनाज मिल रहा था उसमें कीड़े पड़ गए हैं। ऐसे में सिर्फ जो शाही मदद मिल रही थी वही तो एक सहारा था। आपा, तो उसमें मुश्किल क्या है? इनसे कहा नहीं जाएगा। बात ये है, शैतानपुरा के लोगों को शाही मदद नहीं मिल रही, और इतना ही नहीं, उनके घरों की मरम्मत तक नहीं हो रही। सुनने में आ रहा है कि वली अहद का हुक्म है शैतानपुरा को कोई मदद भी ना दी जाए। समझ में नहीं आ रहा किससे मदद की गुहार लगाएं। अगर तुम हमारी कोई मदद कर सको। अब बेफिक्र रहिए आपा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका हक मिले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
इधर हम जानना चाहते हैं कि राहत के काम कहां तक पहुंचे हैं, क्या हर जरूरतमंद को सही तरीके से मदद मिल पा रही है। शहजादे, कुछ घर अब तक बाकी है, कुछ जगह ऐसी है जहां अब तक राहत नहीं पहुंची क्योंकि आदमी कम है। उम्मीद है कि दो चार दिनों के अंदर इधर काम पूरा हो जाएगा। अगर दो चार दिन, क्या आप समझ रहे हैं कि ये दो चार दिन उन भूखे और बीमार लोगों के लिए क्या माने रखते हैं? अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा ना तो क्या क्या जवाब देंगे हम अपने अरबाब को और क्या कहेंगे शाहिशा से? समझिए आप इस बात को। माफी चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटों के अंदर ये काम पूरा हो जाए। अगर आप जा सकते हैं। नारकली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें वली हद से बात करनी। वली हद इस वक्त बहुत मशरूफ है, हमें बताओ क्या बात। हमें वली हद से ही बात करनी। बताओ तो सही, हम उनसे बात करके आते हैं। बात यह है कि शैतानपुरा की रकासाओं की रसद रोक दी गई, उनके घरों की मरम्मत भी नहीं हो रही, जबकि शहनशाह का हुक्म है कि सबको मदद की जाए। हम जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। वहाँ की रसद तो हमने ही रोकी है, अगर सलीम तक ये बात पहुँच गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें अनारकली को सलीम से मिलने से रोकना होगा। क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि वलीद ने ऐसा क्यों किया होगा। खैर, हम उनसे बात करके आते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। शुक्रिया। शहजादे, कोई आपसे मुलाकात करने आए। अगर हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमारे पास किसी से भी मुलाकात का वक्त नहीं है, फिर भी आप बार बार चले आ रहे हैं, जाइए यहाँ से। ठीक है, हम आपका पैगाम उस तक पहुँचा देंगे। हमने वलीद से बात की है कि आप उनसे मिलने आई हैं, मगर उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। शायद उन्हें आपकी और शैतानपुरा के रकासाओं के परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मगर वलीद का हुक्म है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इधर हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, दरअसल हमें आप पर इस तरह से चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब वलीद कुछ भी कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं है इधर, दरअसल इस वक्त मजलूमों की मदद करना किसी से भी मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है। इधर हम चाहते हैं कि आप काम पर लग जाएं। रईसों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इस लायक है कि अपने आप को संभाल सकें। और इस बात का ख्याल रहे कि हर गरीब को खाना, कपड़े और छत मुहैया कराना हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा। मानसिंह, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने जो भी आपसे कहा वो अक्षय शाह ठीक है। बेशक वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो अपने अतालिक पैराम खान का नहीं हुआ, महामंगा का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, तो फिर वो आपका क्या होगा? और फिर जैसा आप कहते हैं कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम भी, हमें उम्मीद है आंधी हमारे लिए लाभदायक होगी। तो सुनिए मानसिंह, जलाल पर हमला कब और कैसे करना है ये हम तय कर चुके हैं। ठीक है, आपकी सेना के साथ हमारी एक टुकड़ी भी इस अभियान में शामिल होगी। जब ये दो मजबूत हाथ उनके विरुद्ध खड़े होंगे तो देखना, शहंशाह इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हुजूर, आवाम के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो उन्हें पेश किया जाए। इजाजत है? इस गुस्ताखी का क्या मतलब है शाह मंजूर? ये गुस्ताखी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो दिखा रहा है कि आवाम की क्या हालत है। इन कीड़ों ने
ना सिर्फ फसल बर्बाद करी है बल्कि ये लोगों को जख्म दे रहे हैं। लोगों के दिलों में खौफ है हुजूर, और आंखों में ये उम्मीद है कि सल्तनत उनके लिए क्या करेगी। आप लोग जा सकते हैं। क्या इस मुश्किल का किसी के पास कोई हल है कि उन कीड़ों को कैसे खत्म किया जा सकता है? हुजूर, ऐसा अजीब कीड़ा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके काटने का इलाज क्या है, इसका जहर कैसे काम करता है और इसे कैसे दूर किया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हुजूर, अगर ये कीड़े पर जल्दी राहत ना पाई गई तो पूरी मुगल सल्तनत बीमारी की चपेट में आ सकती है। तो वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि इन कीड़ों को कैसे खत्म किया जाए। गुस्ताखी माफ, लेकिन एक रास्ता है हुजूर। इन कीड़ों पर आग से काबू पाया जा सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन खेतों में कीड़े पनाह ले रहे हैं उन्हें जला दिया जाए? ये क्या हल हुआ? यही एक हल बचा है बिरबल साहब। शहंशाह, ये गलत है। वो फसल किसानों की साल भर की मेहनत है, अगर फसल ही जल गई तो किसान खाएंगे क्या? उन फसलों को फिर से उगाया जा सकता है, लेकिन ये कीड़े हमारी आवाम के लिए बीमारी की वजह बन रहे हैं। अगर उन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हमारा हुक्म है कि इन कीड़ों से निजात पाने के लिए इन्हें जड़ से जलाकर राख कर दिया जाए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। रसद यहाँ रखवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो अनार, तुमने हम लोगों के लिए अनाज का इंतजाम करवाया। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। मुआफी चाहते आपा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बस यही रसद था घर में। कुछ गेहूँ, दाल, चावल और बाजरा लाए। जैसे ही हमें महल से और रसद मिलती है हम यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अनारकली, ये तो तुम्हें मिलने वाली रसद है ना, अपने हिस्से का अनाज तुम हमें क्यों दे रही हो? तुमने शहंशाह से जाकर हमारे बारे में फरियाद नहीं की क्या? आपकी फरियाद पहुंचाने हम वली अहद के पास गए थे, उन्होंने मदद नहीं की। नहीं आपा, शायद हम जैसे लोग वली अहद के लिए कोई मायने नहीं रखते। खैर ये सब छोड़िए आपा, अगर आपको रकम की जरूरत है तो। नहीं अनार, तुमने जितना किया काफी है। हम तो आपके कर्जदार, आपने मुसीबत में हमारा साथ दिया था। जिंदगी भर कोशिश कर ले तो भी आपका वो एहसान नहीं भुला सकते हम। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहंशाह, क्या आपको लगता है कि फसलों में आग लगा देना इस समस्या का सही निदान है? एक किसान महीनों सालों अपना खून पसीना बहाता है तब जाकर फसल तैयार होती है। किसी भी किसान के लिए फसल उसके संतान के भांति होती है, उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई सब वो करता है, तो क्या ऐसे में आग लगा देने का निर्णय उचित है? हमने फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है, खूब सोचा, तमाम किमिया करो और आलिम दरबारी से हमारे में बात की, तब जाकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है हमें। और आप क्या कहना चाहती हैं कि तमाम किमिया कर आलिम दरबारी सब गलत हैं? आप बताएं तो फिर कैसे निजात पाए हम इन कीड़ों से? शहंशाह, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपका निर्णय गलत है, और ना ये कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले यदि एक बार आप किसानों से बात कर लेते तो अच्छा होता। हम मानते हैं कि एक किसान के लिए उसकी फसल उसकी औलाद की तरह होती है, लेकिन हमारे लिए हमारी आवाम हमारी औलाद है, हम वालिद हैं उसके, और कभी अपने बच्चे को बुरा नहीं चाहेंगे। तो जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। पर जरा अब जरा हालत देखिए हमारी, यही चाहते हैं कि वो सारे कीड़े हमारी आवाम को इस तरह का घाव दे दें। शहंशाह, मानते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए कर रहे हैं, परंतु हमें बस इस बात का भय है कि कहीं प्रजा के लोग आपको गलत न समझ बैठे। कोई भी कुछ गलत नहीं समझेगा, कोई भी हमारे खिलाफ बगावत नहीं करेगा। हमारी आवाम
हमारी आवाम समझेगी कि हमने जो भी किया है उसके भलाई के लिए किया है, हमें मसलत के लिए जाना है। शहंशाह, आपके हुक्म की तामील हुई है। जिन जिन खेतों में कीड़े थे उन्हें जला दिया गया है। ये फैसला हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक शहंशाह होने के नाते हमें ऐसा करना पड़ा। समस्या का हल अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है शहंशाह। खबर है कि सल्तनत के बाकी हिस्सों में भी इस तरह के कीड़े पाए गए हैं। क्या ये कीड़े पूरे हिंदुस्तान में फैल गए? नहीं शहंशाह, सिर्फ सरहिंद कालानूर से लेकर अजमेर, मथुरा, लाहौर या ये कह लीजिए कि जहाँ जहाँ पर मुगल सल्तनत का परचम लहरा रहा है वहीं वहीं पर ये कीड़े हैं और कुदरत का कहर बरपा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कीड़े सिर्फ हमारी सल्तनत में फैले हैं? अजीब बात है मगर ये सच है शहंशाह। मेवाड़, उदयपुर, गोलकुंडा, विजयनगर जो भी रियासतें मुगल सल्तनत के अख्तियार में नहीं है, ये कीड़े वहाँ पर नहीं है। ये कीड़े सिर्फ मुगल सल्तनत पर अपना कहर बरपा रहे हैं। शहंशाह आप समझ नहीं रहे हैं और हम समझा नहीं पा रहे हैं कि ईश्वर हमसे रूठ गए हैं। न जाने अभी क्या क्या होना बाकी है। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा आग्रह इस कदर चलेगा। ऐसा मत कीजिए, हमारी साल भर की मेहनत को ऐसे मत जलाइए। हमारे बाल बच्चे इसी फसल के सहारे जीते हैं। ये शहंशाह का हुकुम है, तामील होके रहेगा। ये कैसा हुकुम है, ये कैसा कानून है शहंशाह का? इस फसल को हमने अपनी औलाद की तरह पाला है। ये सब आपकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। ये फसलें इन कीड़ों की पनाहगाह है, अगर ये और बढ़ेंगे तो सबके लिए जानलेवा साबित होंगे। वो आवाम में अपनी ताकत का खौफ फैलाना चाहते हैं। या खुदा मदद कर। अरे शहंशाह खुद सल्तनत के खुदा बन बैठे हैं, अब कौन हमारी मदद करेगा? ये कैसी भलाई है? खेतों को जलाकर किसी का भला हो सकता है? ये तो ज्यादती है। शहंशाह सिर्फ और सिर्फ अपना भला देख रहे हैं। वो तो खुद महल में महफूज है जहाँ उन्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन आवाम को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। आवाम बेचारी जलजले के कहर से अभी उभरी भी नहीं है और शहंशाह फसलें जलवा रहे हैं। हुजूर इनाम खान साहब, अब आप कहिए क्या होगा? शहंशाह ने जब बादशाही सिक्का जारी किया था तब आपने उनकी तरफदारी की थी ना? हमें शहंशाह से मिलना होगा, उन्हें बताना होगा कि अब उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। जल्दी दरवाजा बंद करो, शहंशाह के पास कोई ना आने पाए। अवाम को वहीं पर रोक दो। दरवाजा बंद करो जल्दी। किसी को मुर्दाबाद, शहंशाह अकबर मुर्दाबाद, शहंशाह मुर्दाबाद। प्रजा विरोध पर उतर आई है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। एक के बाद एक मुश्किलें आती जा रही हैं, न जाने क्या होने वाला है। हमें शहंशाह से मिलना चाहिए। अम्मी जान, हम ये तो नहीं जानते कि शहंशाह का निर्णय सही है या गलत, परंतु हमारा ये कोलाहल कैसा हो रहा है अम्मी जान? प्रणाम शहंशाह। राजा बीरबल साहब, ये आवाज कैसी? शहंशाह, आगरा की प्रजा महल के बाहर इकट्ठी हो गई है। खेत खलिहान जला देने के आपके फैसले का उन पे काफी विरोध है। लेकिन वो समझने की कोशिश भी नहीं करते कि वो फैसला हमने उनकी भलाई के लिए किया है। शहंशाह, हमने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया मगर नुकसान के कारण वो लोग काफी रोष में हैं। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो हम दोबारा उनसे बात करेंगे। नहीं राजा बीरबल साहब, हम अभी इसी वक्त हमारी आवाम से जाकर मिलेंगे ताकि हम आवाम को अपनी बात समझा सकें। नहीं शहंशाह, आप ऐसा मत कीजिए। इस समय प्रजा उग्र है,
और भीड़ में समझ नहीं होती, वहाँ पर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं शहंशाह। मरियम उज़मानी सही कह रही हैं शहंशाह, अभी आपको प्रजा के बीच नहीं जाना चाहिए। अभी इसी वक्त उनके सामने जाएंगे। नहीं शहंशाह, इस समय नहीं। हमने आपको पहले भी चेताया था कि आपको पहले प्रजा को अपने विश्वास में लेना चाहिए, परंतु समय आपने हमारी बात नहीं सुनी। पर अब बस जो था बेगम, जो हो गया हो गया, लेकिन अभी इसी वक्त हमें हमारी आवाम से रूबरू होना होगा, ताकि हम उन्हें समझा सके कि जो फैसला हमने लिया वो उनकी भलाई के लिए लिया। हमारी आवाम हमारी औलाद है, हमारी रियाया है। हमें यकीन है कि वो हमारी बात को समझने की पूरी कोशिश करेगी। हमें उन्हें समझाना होगा।